पागल। तो सुबह के 4:45 हो रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। शॉप वीडियो में देख सकते हो कि काफी सारे कुत्ते जो होता है एक जानवर का पीछा कर रहे हैं, और वो जानवर कौन सा है वीडियो में पूरा बने रहो तक। मैंने भी दरवाजा खोल लिया है और काफी सारे कुत्ते थे तो मैंने भगा दिया, लेकिन ये कुत्ता जो है एक ऊपर ही बैठा हुआ था। तो ये जो कुत्ता है इसके लिए हार्मफुल नहीं, क्योंकि मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, मैं इसको हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, तो मेरे लिए काफी फ्रेंडली है। और मेरे जब मना कर रहा हूँ तो नहीं करेगा, चलो हटो हटो नीचे उतरो। देखो आज्ञा का पालन किया इसने, हटो मत देखो उधर। तो ये बिल्ली काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। तो दिक्कत ये है, बिल्ली तो काफ़ी क्यूट है लेकिन काटने वाली है। तो मैंने इसको कोशिश किया था कि इसको पकड़ के अपने यहाँ लाने का, लेकिन पता नहीं ये काट ले, कुछ कह नहीं सकते। देखो काफ़ी क्यूट है। तो ये है पर्शियन कैट, अब पता नहीं कहाँ से भाग के ये कुत्ते उनको कहाँ से खदेड़ के लेकर आ गए। तो चाह के भी मैं अपने घर पर नहीं ला सकता हूँ इसको, क्योंकि क्या पता ये कब काट ले। मैं काफ़ी देर से इसको बुला रहा हूँ अपने घर पे दरवाज़ा खोल कर, लेकिन ये आ नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। और इसको छोड़ के ऐसे आ भी नहीं सकते, पता नहीं कौन कुत्ता आकर चढ़ जाए इसके ऊपर। तो मम्मी भी आ गई है, मैं क्या कर रहा हूँ बाहर इतने देर से। मैं हैप्पी एंडिंग ये होता है कि इसका मालिक इसको लेकर चला जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो सेम डे इवनिंग मैं अपने छत पर वॉक कर रहा था तो मैंने देखा गंगा नदी के किनारे काफ़ी टाइम से बन रहा मरीन टाइप का फ्लाईओवर, जिसका आज उद्घाटन हो गया है। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही, तो चलो कल अपना ब्लॉग इस पर ही होगा, आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज अपना जो ब्लॉग है वो मरीन ड्राइव स्पेशल है, तो उद्घाटन हुआ है बिल्कुल न्यू ब्रिज का, जो काफ़ी टाइम से जो है बन रहा था, गाय घाट से लेकर कंगन घाट का ये ब्रिज है। सो भाइयों इनसे मिलो, ये है हमारे यूट्यूब फैमिली के न्यू सब्सक्राइबर, और सॉरी मैं इनका नाम पूछना भूल गया। तो अभी बस देखो मत, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी, लाइक कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, और भाई को पूरा सपोर्ट करो, फुल्ली सपोर्ट करने का। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, अपने हेलमेट को मैंने फ्रंट पर रखा हुआ है मोबाइल होल्डर पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो कुछ देर के लिए मैंने अपना हेलमेट उतारा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही है आगे, अगर मैं उधर गया तो मतलब पुलिस पकड़ लेगी, चालान कर देगा, कुछ भी हो सकता है, तो रेस्ट लेने की सूरत नहीं है मुझे। तो मैं इधर से जा रहा हूँ, राइट साइड से NMCH होता हुआ सीधा मैं मरीन ड्राइव जाऊँगा, और मरीन ड्राइव पर मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं गांधी मैदान तक जाऊँ और वहाँ से यू टर्न लेकर आऊँ, अयोध्या के बीच में यू टर्न रहे। तो बस वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़ना, वीडियो को लास्ट तक देखना। सो कैमरे को जो है आज मैंने अपने फ्रंट पे रख लिया है, क्योंकि हेलमेट तो लगा नहीं सकता, क्योंकि मैंने हेलमेट उतारा हुआ है अभी, जब हेलमेट को पहनेंगे तब उस पर कैमरे को सेट करेंगे। और वीडियो कैसा आ रहा है, कैसा दिख रहा है ज़रूर बताना। तो गाय घाट जाने वाले रास्ते में मैं टर्न हो चुका हूँ, हम मिलते हैं सीधा फ्लाईओवर पर। तो गाइस ये देखो अपना आ गया है ये गाय घाट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये देखो JP गंगा पथ। तो इस फ्लाईओवर के उद्घाटन कब हुई ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड फ्लाईओवर है खासकर पटना वालों के लिए। तो न्यूज़पेपर भी नहीं आया, और मैंने किसी से पूछा तो उनको भी आईडिया नहीं था कि ये फ्लाईओवर चालू हो गया। तो वो जो सामने अपना ब्रिज दिख रहा है पूरा, ये सामने जो है वो है अपना गांधी सेतु ब्रिज, एक टाइम का एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज यही हुआ करता था, अब तो काफ़ी सारे ब्रिजें बन गई। लेकिन गाइस इस फ्लाईओवर की बात ये लगा है, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल खाली है, क्योंकि लोगों को भी आइडिया ही नहीं कि ये चालू हो चुका है। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है अगर आप गंगा नदी की ओर देखोगे तो, लेकिन ये दिक्कत है कि इसको पार करके ये डिवाइडर है, थोड़ा सा हाइट पे है, डिवाइडर को पार करके आपको उस पार देखना पड़ेगा भाई। और जैसा कि मैं बाइक राइडिंग एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे जब यहाँ पर आप आओगे।
ये देखो अपना गांधी सेतु काफ़ी नज़दीक आ गया है, आराम आराम से चलते हैं, ज़्यादा स्पीड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने जो लेफ़्ट साइड में जो रेलिंग है अगर उसको आप पार करते हो तो सामने में फुटपाथ है पैदल चलने वालों की, तो बाइक खड़ी करके अगर आप इस रेलिंग को पार करते हो और नीचे गंगा नदी की ओर झांकते हो तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का मज़ा आने वाला है, तो वो भी करेंगे। और खैर इसमें तो काफ़ी बार अभी आना जाना है। ये लड़कियाँ कैसे चलाती हैं बाइक, पता नहीं, दोनों पैर नीचे रखे। तो क्योंकि ये रेलिंग है थोड़ी ऊँची है, उसके बाद जो है मतलब एक और रेलिंग है, इसलिए जो है गंगा नदी आई होप आपको क्लियर दिख रही हो। तो ये देखो अपना गांधी सेतु जो है काफ़ी नज़दीक आ गया। तो ये देखो अपना गांधी सेतु, उसके नीचे से अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी तक ये जो है यहीं तक था, ये जो अपना फ्लाईओवर है यहीं तक था, लेकिन अब इसकी लंबाई बढ़ गई है, अब ये स्ट्रेट अपने मतलब मैं अपना घर देख सकता हूँ, जैसे हम के वीडियो में दिखाया था कि फ्लाईओवर अपने घर से देख रहा है। तो बस चलते हैं दिखाते हैं। देखिए पहले यहाँ से टर्न ले लेते थे और अब लेकिन अब हम स्ट्रेट जा सकते हैं। अब यार दिक्कत ये हो गई, ये देखो लो पेट्रोल, सो फ्यूल लेवल जो है अभी काफ़ी लो दिखा रहा है और जाना हमें काफ़ी दूर है क्योंकि यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है अपना कंगन घाट से मुझे वापस पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा क्योंकि बिना पेट्रोल के तो घर पहुँच नहीं सकते। तो घूमने वालों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है देखो, तो पैदल ही लोग काफ़ी दूर दूर चले आए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस उन्हें वापस चलना पड़ेगा जाने के लिए, वापस जाने के लिए, तो वीडियो बना रहे हैं। और ये अपना चित्रकूट मंदिर, इस फ्लाईओवर में दिक्कत वाली ये बात है जो मुझे प्रॉब्लम लगी, तो अगर आपको सपोज़ कोई इमरजेंसी हुई या आपको यू टर्न लेना है या पेट्रोल लेवल कम है तो आपको यू टर्न लेने के लिए सीधा या तो आप कंगन घाट पे यू टर्न ले सकते हो, दूसरा आप गाय घाट पे यू टर्न ले सकते हो, और जो तीसरा ऑप्शन है वो सीधा आपको गांधी मैदान वाला ऑप्शन है यानी कि गोलघर वाला ऑप्शन, और उसके बीच में आप यू टर्न नहीं ले सकते, मतलब आपका पेट्रोल अगर ख़त्म होता है बाई चांस तो आपको इतनी लंबी जो है बाइक खींच कर ले जानी होगी। तो बातों में अपना एरिया आ गया जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो यहाँ से मुझे बाइकर लेने के लिए कोई जगह मिल नहीं रही है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा फ्लाईओवर है, यहाँ पर से आई थिंक रास्ता देना चाहिए था एक, इवन डायरेक्टली जो होता है अपने घर चला जाऊँ तो मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा अभी कंगन घाट, और वहाँ से मुझे यू टर्न लेके नीचे आना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ से मतलब अपना घर खोजने के लिए भी मतलब मुझे रोड के उस साइड जाना पड़ेगा, और इधर रील बनाने की तैयारी चल रही है आई थिंक। और बातों में हम कंगन घाट के काफ़ी करीब आ गए हैं, देख सकते हो रोड पर जो होता है दोनों साइड जो फुटपाथ वाला ऑप्शन है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, लोग काफ़ी दूर चल कर आए हैं मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी काफ़ी डिस्टेंस है। हाँ वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, और बस सब्सक्राइब करके भूल मत जाना, चैनल को सपोर्ट भी करो, चैनल के मोनेटाइज होने में मेरी हेल्प करो, तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दो। अगर हम लोग थोड़ा सा और स्पीड में रहते हैं तो ये कौवे से जरूर टक्कर हो जाती, हुआ तो बेजुबान होता है लेकिन ये कौन है लड़का बीच में चला रहा है, ए पागल। तो बताओ ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं, सुन लिया उसने, काफ़ी दूर से ही मैं हॉर्न मारते हुए आ रहा हूँ और वो फिर भी जानबूझकर क्रॉस कर रहा है, और बाई चांस उसको टक्कर लग जाती तो पूरी तरह से मैं फंस जाऊँगा गलती ना रहते हुए भी। सो लोगों की गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं कंगन घाट के अब काफ़ी सारे घूमने वालों की जो है यहाँ पर तादाद देख सकते हो कितनी ज़्यादा। तो हम पहुंच गए हैं कंगन घाट और यहां से जो है राइट टर्न है, तो अब आ गई बारी इस फ्लाईओवर से नीचे उतरने की, तो देख सकते हो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं इधर, तो मतलब एक अट्रैक्शन है अभी बना हुआ इसका, जस्ट अभी उद्घाटन हुआ है, तो देखो कितनी सारी गाड़ियां भी लगी हुई हैं
दूर दूर से लड़के लड़कियां लोग आकर के यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो पहले जो है काफ़ी ट्रैफिक होती थी, इस फ्लाईओवर के बन जाने से काफ़ी जो है अपना रास्ता जो है अपना टाइम कम लगेगा और हम जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, ये देखो। तो अगेन ये टर्निंग है यहाँ से, तो अभी तो ये खाली है, देखते देखते यहाँ पर काफ़ी सारे फूड स्टॉल खुलने वाले हैं फ्यूचर में। जैसे आप मरीन ड्राइव में देखते हो वैसे ही यहाँ पर भी होने वाले हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर भीड़ भाड़ है ये यहाँ पर अट्रैक्शन है। तो जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी पब्लिक है वहाँ पर फूड स्टॉल्स तो नॉर्मली है कि आ ही जाएंगे। तो ये जो खाली खाली दिख रहा है अभी आपको कुछ टाइम के लिए दिख रहा है, जल्दी ये भरने वाला है। और ये देखो अभी हम नीचे उतर गए हैं, सामने में अपना जिस फ्लाईओवर से हम आ रहे हैं ये सामने राइट साइड दिख रहा है अपना, इसी फ्लाईओवर से अभी हम यहाँ पे आए और यू टर्न ले करके नीचे आ गए हैं। तो एक टर्निंग और है अभी, इसके बाद हम प्रॉपर्ली नीचे आ जाएंगे, यानी कि पीछे जो नीचे वाला रोड है घाट किनारे वाला, बस उसके में हम जो है आ जाएंगे और अपने घर की ओर बढ़ेंगे। तो जगह जगह पे रील बन रही है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी उठ कर आओ और यहाँ पर अपना रील बनाओ। और ये जो जगह है खासकर कपल के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कपल काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा दिखते थे और अब तो ये फ्लाईओवर जो है उद्घाटन हो गया है तो और ज़्यादा दिखने वाले हैं। तो ये देखो हम कम्प्लीटली रोड पर आ गए, ये देखो ये रोड में मिल गया। और इसके बाद जो है सीधा घाट घाट रास्ते जो होता है अपने घर की ओर जा सकते हैं, तो ये है अपना गंगन घाट। इसके बाद बस घाट ही घाट आएगा और यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे और उसके बाद खचकल्ला घाट है, वहाँ पे अपने वीडियो को स्टॉप करेंगे। और देख सकते हो यहाँ पर रोड जो है थोड़ी सी गड़बड़ है, जब बनाई गई थी तब तक तो सही थी लेकिन अब थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो गई है। अब क्या कह सकते हैं, बिहार है तो थोड़ी बहुत तो मिलावट होती है। तो ये देखो ये भी कोई ऐसा घाट है राइट साइड में, वो तो छोटे मोटे काफ़ी सारे घाट हैं, लेकिन एक यहाँ पर मेन घाट है जो कि है खचकल्ला घाट, तो जहाँ पर मैं जाकर अपने वीडियो को स्टॉप करने वाला हूँ। तो ये रोड काफ़ी लंबा है, सीधा यहाँ से लेकर गायघाट जाता था। तो ये फ्लाईओवर बन जाने से काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को आसानी होगी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए, और जिसके घर से दूरी है यानी मेरे घर से तो काफ़ी दूर पड़ता है ये वाला, तो मुझे अपना कम से कम 1 लीटर पेट्रोल जला करके इस फ्लाईओवर पर चढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आज किया है। कम से कम 1-2 लीटर पेट्रोल जला करके मैं आया हूँ। यार यू टर्न लेने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन होने चाहिए और इधर से भी एक रास्ता होना चाहिए जिससे हम इस फ्लाईओवर पर चढ़ सकें, ऐसे तो काफ़ी दूर चलना पड़ेगा आप समझ सकते हो। जिनके घर के क्लोज में है तो उनके लिए तो आसान है, हमारे लिए काफ़ी दूर पड़ जाता है। और घाट किनारे जो है बाइक राइडिंग करने का अपना अलग मज़ा है, क्या कहते हुए देखो अपने राइट साइड में गंगा नदी है। तो आ गए हम अपने डेस्टिनेशन पर और यहाँ पर करने जा रहा हूँ मैं वीडियो को स्टॉप। करना चाहता हूँ वही सेम सा रिक्वेस्ट, जो लोग यहाँ पर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलूंगा मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।